कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। सोया पामोलिन में क्या खरीदारी करें, क्या राइस ब्रांड के लेवल यहां पर रुके रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आपको बताएंगे खाद तेल बाजारों के भाव और मार्केट का ट्रेंड, किस तरीके से इंटरनेशनल बाजारों में कामकाज हो रहा है इसकी जानकारी देंगे। साथ ही आप लोगों को बताएंगे सोया ऑयल, सीपीओ, राइस ब्रांड ऑयल, मस्टर्ड सीड में किस तरीके से कामकाज हुआ है, और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, कहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, कहां पर बिकवाली कर सकते हैं, इसकी जानकारी विस्तार रूप से देंगे। तो खाने के तेल संबंधित, खाद तेल संबंधित जो भी जानकारी अगर आप लोगों को प्राप्त करनी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। नीचे बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन दिया हुआ है। तो आप शुरुआत करेंगे सबसे पहले सोया ऑयल को, अगर बात करते हैं सोया ऑयल का वायदा कल 123 से 24 रुपए में बाजारों में कामकाज हुआ है। सोया ऑयल में बहुत ज्यादा मंदा नहीं देखा जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पामोलिन और राइस ब्रांड में लगातार बाजारों में उतार चढ़ाव जारी है। केएलसी इंटरनेशनल बाजारों में कल गिरावट बाजारों में जबरदस्त देखी गई। इंटरनेशनल बाजारों में अगर केएलसी की बात करें तो 213 रिंगिट होके बाजार माइनस बंद हुआ। इसका इंपैक्ट अगर आप पामोलिन पे देखेंगे तो पामोलिन का भाव 119 रुपए पे कामकाज हुआ, राइस ब्रांड ऑयल का भाव 115 रुपए। मस्टर्ड ऑयल का भाव की बात कर लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी ऊपरी स्तर से 140 रुपए जो चल रहा था उसमें 2 रुपए किलो गिरावट आई, मस्टर्ड ऑयल का भाव 138 रुपए हो गया। सोयाबीन सीड की बात करेंगे तो सोयाबीन सीड में लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से सोयाबीन सीड में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखी जा रही है। सोयाबीन सीड का भाव 6225 रुपए बाजारों में कामकाज हुआ। अब जैसे कि आपको मालूम है तेल वायदे कैश के भाव से नीचे लगातार बाजार में ट्रेड कर रहे हैं। कल सीबॉट सोयाबीन वायदा को अगर देखा जाए तो लगभग $11, सोया मील में भी लगभग $2.5 की गिरावट हुई और सोया तेल $31 तक कल बाजार में गिरावट देखी गई। क्रूड ऑयल में भी कल आपने देखा लगभग 3% से ज़्यादा की गिरावट आई। सीबॉट सोयाबीन में महीने का फिलहाल अभी लो बन गया है। इस महीने हाई से अगर ऊपरी स्तर से बात करी जाए तो लगभग $40 नीचे बाजार काम कर रहा है। सीबॉट में ट्रेड में हाई वॉलिटिलिटी के साथ बाजारों में कामकाज हो रहा है। कल सीबॉट सोया तेल वायदे से हाई से लो लगभग अगर मूवमेंट की बात करेंगे तो निचले स्तर से ऊपरी स्तर में लगभग $50 का मूवमेंट बाजारों में देखा गया। इसी के तहत कल इंटरनेशनल बाजारों में जो आपको बताया कि केएलसी में जो गिरावट आई, आज केएलसी जो मॉर्निंग में ओपन हुई केएलसी में बढ़त के साथ प्लस 92 रिंगिट प्लस ओपन हुई है। जैसे कि लगातार आपको बताते हुए आ रहे 3500 रिंगिट का सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास से बाजारों में रिकवरी ले रहा है। इस हिसाब से बाजारों में आप लोगों को मालूम है कि बाजारों में अच्छे सपोर्ट के आसपास लगातार आपको कहते हुए आ रहे हैं, बाजारों में अच्छे सपोर्ट के आसपास से आप खरीदारी करेंगे तो वहाँ से आपको रिकवरी आने की संभावना अच्छी बनी रहेगी। जैसे कि कल देखा गया कांडला में सोया रिफाइंड ने नया लो बनाया, लगभग 118 रुपये किलो का कांडला में सोया रिफाइंड का भाव हो गया और सोया रिफाइंड ओलिन का भाव लगभग आप देख रहे हैं लगभग एक बराबर हो गया। इंडोनेशिया, सीपीओ, मलेशिया और ओलिन ने इस महीने में लगभग $300 की मंदी बाजारों में अभी तक आ चुकी है, मगर कांडला ओलिन में अभी केवल 6 रुपए किलो ही भाव अभी तक नीचे हुआ है। चलिए अब जान लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। सोया ऑयल का अगर सपोर्ट की बात करी जाए तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 122 रुपए है, इसके भाव के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का लेवल 125 रुपए है। पामोलिन का सपोर्ट की बात करें तो 118 रुपए, यहां पर अभी आप पामोलिन में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 114 रुपए, यहां पर भी आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। रेजिस्टेंस का लेवल 117 रुपए। मस्टर्ड सीड 6300 रुपए पे कामकाज बाजारों में सपोर्ट के आसपास बाजारों में देखा गया और रेजिस्टेंस का बात करें तो 7100 रुपये। मस्टर्ड सीड में अगर बाजारों में यहाँ पर इंटरनेशनल बाजारों में अगर बाजारों में रिकवरी आती है तो आप लोगों को बाजारों में मस्टर्ड ऑयल में और मस्टर्ड सीड में आपको रिकवरी दिखाई देगी और आगे आने वाले समय में बाजारों में अगर 200-300 रुपये की रिकवरी मिलती है तो बाजारों में आप अपना माल ऊपरी स्तर में आप खाली करने की कोशिश करेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए जान लेते हैं सोयाबीन की ट्रेडिंग रेट। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 6100 रुपये है, रेजिस्टेंस का लेवल 6700 रुपये देखा जा रहा है। सोयाबीन सीड में बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। सोयाबीन सीड में 6000 रुपये का सपोर्ट अभी तक इंटैक्ट है। वरिष्ठ जानकारों के अनुसार खाद तेल बाजारों में अच्छे सपोर्ट के आसपास आप खरीदारी करेंगे तो कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है और सपोर्ट के आसपास अब जरूरत के हिसाब से ओवरलोडिंग नहीं करके खरीदारी करके चलें और आगे आने वाले समय में 6 से 7 दिन की आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। तो अगर आपको सोया पामोलिन सरसों में खरीदारी करनी है तो 6 से 7 दिन की करिए, बहुत ज़्यादा 15 से 20 दिन की अभी खरीदारी नहीं करें क्योंकि इंटरनेशनल बाजारों में मार्केट का ट्रेंड जो है अनस्टेबल है, बाजारों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव बाजारों में देखा जा रहा है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होती है आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट्स 24।